हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके लिए आए हैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़। तो विज्ञान की आपके जनरल साइंस की एक टेस्ट सीरीज़ रहेगी, जिसमें लगभग आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जो हर एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी नए यूजर्स हैं उनके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इसमें आपके न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक कौन से? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसमें आपका फोर्थ नंबर के ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कोशिका के किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? तो इसमें आपका शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कौन सा? ए ऑप्शन, शक्तिग्रह कौन सा होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। और राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। इस राइबोसोम को बोलते हैं आपके प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। इस राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का शक्तिग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से आपके सदिश राशि कौन सी है? तो आपके इसमें से ऑप्शन द्रव्यमान आपके क्या है? सदिश राशि। द्रव्यमान क्या आपके? सदिश राशि। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपके इसमें बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, केजी मीटर और सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा इसमें आपके बल का मात्रक? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ध्वनि की अधिकतम चाल किसमें होती है? तो आपका इसमें बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठोसों में ध्वनि की अधिकतम चाल होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का आपके सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो फ्रेंड्स हमारी प्लेलिस्ट में इस सौरमंडल के ऊपर एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर जाकर उसे जो पूरा देख सकते हैं। उसमें पूरे के पूरे जो भी ग्रह हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में उनके दूसरे नाम, कौन सा सूर्य से अधिक नज़दीक, कौन सा सूर्य के अधिक दूर है, वो आपके सब का सब उसमें बताया गया है। बहुत ही अच्छा वीडियो, आप जरूर देखें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नारू रोग का रोग जनक, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपके बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कृमि हो जाएगा। नारू रोग का रोग जनक कौन सा हो जाएगा? कृमि। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है? तो आपके इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 120 से 180 mmHg। इसमें आपसे आपका जो 120 mmHg है वो फ्रेंड्स आपके होता है हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, HB, हाई ब्लड प्रेशर, HBP, हाई ब्लड प्रेशर। और जो 80 mmHg है वो फ्रेंड्स होता है आपका लो ब्लड प्रेशर। ये होता है आपका लो ब्लड प्रेशर, और 120 mmHg है वो आपके होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तंबाकू किस कुल का पादप है? तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सोलेनेसी बिल्कुल करेक्ट है, सोलेनेसी कुल का पादप है, सोलेनेसी कुल का पादप है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए, आयोडीन की कमी से रोग होता है? तो फ्रेंड्स इसमें आपके आयोडीन की कमी से, इसमें आपके आयोडीन की कमी से रोग होने वाला है वो आपके गेंगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंसुलिन का स्त्रावण होता है? तो आपके इंसुलिन का स्त्रावण होता है अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। एक और ग्लूकेगोन का भी स्त्रावण किसके द्वारा होता है? आपके ग्लूकेगोन का श्रावण भी किसके द्वारा होता है? आपके इस अग्नाशय के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, LSD का पूरा नाम, आपके लाइसार्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड, लाइसार्जिक डाई एथाइल एमाइड, जो आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछता है। इसमें LSD का पूरा नाम लाइसार्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, रुधिर का द्रव्य भाग होता है? तो रुधिर का द्रव्य भाग आपके कहलाता है प्लाज्मा का भाग, और इसका ठोस भाग कहलाता है आपका कणिका का पार्ट। क्या कहलाता है? कणिका का पार्ट। और कणिका के पार्ट में आपका RBC, WBC और आपके प्लेटलेट्स आते हैं कणिका के पार्ट में, और इसका द्रव्य भाग कहलाता है वो आपके प्लाज्मा का पार्ट। तो इसमें आपके थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मानव में उत्सर्जी पदार्थ होता है?
मानव में उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो फ्रेंड्स आपके इसमें यूरिया, ये आपके मानव में क्या है, ह्यूमन में आपका उत्सर्जी पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रोबोट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, किस कोशिका में केंद्रक सुगठित झिल्लीबद्ध होता है? तो इसमें आपके यूकेरियोटिक कोशिका में सुगठित केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में असंगठित केंद्रक रहता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पादपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पादपों का अध्ययन आपके फ्रेंड्स बॉटनी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन आपके इस जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जीवित कोशिका की खोज आपके ल्यूवेन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें आपके साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आपके कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक, इसमें आपका अरस्तु हो जाएगा फ्रेंड्स। जंतु विज्ञान का जनक आपके अरस्तु। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक कौन से? इसमें भी आपका अरस्तु फोर्थ ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, स्लीडेन वे स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसमें वनस्पति विज्ञान के आपके जनक हो जाएंगे थियोफ्रास्टस। कौन से हो जाएंगे? थियोफ्रास्टस इज द बॉटनिस फादर। फिर अगला क्वेश्चन है आपके, प्रमुख मानव लिंग हार्मोन, नर लिंग हार्मोन कौन से? तो इसमें आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो नर लिंग हार्मोन है, और जो आपका एस्ट्रोजन और ये आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो फ्रेंड्स आपके मादा में लिंग हार्मोन है। कौन कौन से? आपके एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों तो आपके किस में है? फीमेल में। और ये आपका टेस्टोस्टेरोन है वो आपके नर लिंग हार्मोन है। तो आपके इसमें ऑप्शन ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? तो आपके अग्नाशय मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, क्योंकि आपके अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। ये दोनों प्रकार की ग्रंथि होने के कारण इसे आप मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच आपके 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन, फ्रियोन का अणुसूत्र, तो फ्रियोन का अणुसूत्र आपके CFCl3। तो फ्रेंड्स इस फ्रियोन के ऊपर मैं आपके एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, जो आपके हर एक फ्रियोन का फॉर्मूला उसे आप रेडी कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।